किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले निरीक्षण या मुलायजा किया जाता है। यकीन करके सेफ्टी सिलेंडर पोस्टन इस पर हो, कॉकिंग हैंड एक ही झटके से पीछे किसी यकीन करके चैम्बर मैगजीन खाली हो, चाल पोल ऊपर जाकर आगे जाने दे, सेफ्टी सिलेंडर पोस्टन आर पर करें, ट्रिगर को दबाए, सेफ्टी सिलेंडर पर इस पर करें। बाएँ हाथ की अंगूठी की मदद से नाम मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को राइफल से अलग करें और बाएँ तरफ रखें। राइफल को कॉक करके ही खोला जाता है क्योंकि हमर प्लंजर गिरने का अंदेशा होता है। राइफल को कॉक करें और हाइनिलिंग पोजीशन अख्तियार करते हुए बायनट कैच को दबाते हुए बायनट को राइफल से अलग करें। बायां कंधे पर राइफल को रखते हुए बाएं हाथ की हथेली के ऊपर बायनट को रखें। स्काबर्ड को पकड़ते हुए बायनट को पकड़ते हुए स्काबर्ड से बायनट को अलग करें और बायनट को दाहिने तरफ रखें, उसके बाएं स्काबर्ड को रखें। उसके बाद बाएं हाथ की अंगूठे की मदद से नाम गैस प्लग की प्लंजर को दबाते हुए गैस प्लग को घड़ियों के सुई की कुर्सी घुमाते हुए गैस प्लग को अलग करें और स्काबर्ड के बाएं रखें। उसके बाद पिस्टन और स्प्रिंग को पिस्टन हाउसिंग से निकालें और बाएं हाथ की हथेली ऊपर रखते हुए पिस्टन से घुमाते हुए स्प्रिंग को अलग करें और गैस प्लग के बाएं तरफ रखें। उसके बाद पिस्टन को रखें। राइफल को इस तरह रखें जैसे कि बैरल सामने तरफ और बॉट अपनी तरफ हो। दाएं हाथ की अंगूठे की मदद से बॉडी लॉकिंग कैच को दबाते हुए बॉडी और बॉट को अलग करें। दाएं हाथ की अंगूठे को बॉडी रिसीवर कवर के अंदर दाखिल करते हुए दोनों अंगूठे की मदद से बॉडी रिसीवर कवर को बॉडी से अलग करें। रिटर्नर को पकड़ते हुए ब्रिज ब्लॉक कैरियर और ब्रिज ब्लॉक को राइफल से अलग करें और ब्रिज ब्लॉक को काबू रखते हुए ब्रिज ब्लॉक कैरियर से अलग करें और बॉडी ओपनिंग कवर के बाएं तरफ रखें। उसके बाद ब्रिज ब्लॉक कैरियर को रखें और दाहिने हाथ की मदद से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए बॉट को जोड़ दें। राइफल को इस तरह रखें जैसे कि सजावट ऊपर से नीचे की तरफ हो और सब पुर्जे मैगजीन हाउसिंग के एक सीध में हो। तरीका, सबसे पहले दाएं हाथ की मदद से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए राइफल को उठाओ और दाएं हाथ के अंगूठे की मदद से नाम बॉडी लॉकिंग कैच को दबाते हुए बॉडी से बॉट को अलग करो। उसके बाद बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखते हुए राइफल को दाएं हाथ की मदद से ब्रिज ब्लॉक कैरियर को उठाए और ब्रिज ब्लॉक कैरियर में दाखिल करते हुए ब्रिज ब्लॉक कैरियर की रिब्स को बॉडी के रिसेस के अंदर दाखिल करते हुए आगे जाने दे। बॉडी ओपनिंग कवर को उठाते हुए बॉडी ओपनिंग कवर के रिब्स को उसकी रिसेस डायनाट की मदद से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए बॉट को बॉडी से जोड़ दे और हाइनलिंग पोजीशन अख्तियार करते हुए राइफल को बाएं कंधे पर रखें और पिस्टन में स्प्रिंग को घुमाते हुए दाखिल करें और पिस्टन को पिस्टन हाउसिंग के अंदर दाखिल करें। उसके बाद गैस प्लग को उठाए और पिस्टन के ऊपर रखते हुए प्लग को जोड़ते समय ध्यान रखें जाते यकीन करें कि गैस प्लग का डायरेक्शन मार्क बाएं तरफ हो। उसको पिस्टन के ऊपर दबाव देते हुए अंदर की तरफ धकेलें और प्लंजर को दाएं हाथ की अंगूठी और उंगली की मदद से अंदर को दबाते हुए घड़ियों के सुइयों के रुख घुमा दें और यकीन करें कि ब्रिज ब्लॉक ठीक तरह से लग गया हो। उसके बाद फंक्शनल टेस्ट किया जाएगा। लेकिन करें कि सेफ्टी कैच का पोजीशन एस पर हो। राइफल को 2-3 बार कॉक करें, सेफ्टी कैच का पोजीशन आर पर करें, ट्रिगर दबाए, सेफ्टी सिंगल एस पर करें और हाइनलिंग पोजीशन अख्तियार करते हुए स्काबर्ड को उठाए, बायनट में बायनट को दाखिल करें और बायनट को लगा दे। उसके बाद बायनट की मदद से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए राइफल को उठाए और मैगजीन हाउसिंग के अंदर दाखिल करें। यकीन करें कि मैगजीन ठीक तरह से लग गया हो और राइफल को नीचे रखें।